नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश की सरकार गणतंत्र दिवस के मौके पर 215 बंदियों को सौगात देने जा रही है। अलग अलग जेलों में हत्या, लूट और अन्य जघन्य अपराधों पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को रिहा करने का फैसला सरकार ने किया है। प्रदेश के जेल महानिदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि 10 सेंट्रल और 51 जिला जेलों में बंद करीब 215 बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 14 वर्ष पूरे होने पर उन्हें माफी देकर रिहा किया जा रहा है। जेल उपमहानिरीक्षक संजय पांडे के मुताबिक 26 जनवरी को बंदियों के रिहा होने पर पारिश्रमिक राशि भी प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा है कि जिला जेल से 3 कैदियों को रिहा किया जाना है। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए इस बार ज्यादा बंदियों को पैरोल दी गई है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालांकि दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत उम्र कैद की सजा काटने वाले को रिहा नहीं किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि गणतंत्र दिवस पर रिहा होने वाली 5 महिलाओं सहित इन कैदियों की बाकी सजा अच्छे आचरण के कारण माफ की जा रही है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।